ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनःऽभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपं कदा मोऽयं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सहजीवं साधुवितं सपदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानि सहगण ललितशिपिशकानि तांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वत्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पश्चात्तदेशतारिणे नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमपदाय कृष्णकृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्ठे नमः। पञ्चतत्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तपदां भक्तकं नमामि भक्तिशक्तिकं पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पवनेभ्यश्च नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोवेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी विशवानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव हरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं च नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं तत जय मुदीर नष्ट प्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत शवे भागवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्यैश्वरं परमानन्द माधवं हरि ओं तत्सत्। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सारे भक्तवृंद की जय, गौर परमानंद वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण। हम लोग लास्ट क्लास में वृंदावन, इस वन में एक 12 वन थे उसके बारे में चर्चा किया था। अटल वन, केबारी वन, बिहार वन, गोचारण वन, कालियादमन वन, गोपाल वन, निकुंज वन, निधु वन, राधाबाग वन। राधाबाग वन क्या, वहां पे एक राधा रानी का घाट है, जमुना का तट में एक राधा रानी का घाट है। वहां पे एक गोपकुआ जो कुप है ना, गोपकुप है, और जमुना किनार में सारे मयूर पक्षी और अलग अलग पक्षी आके अच्छा परिवेश बना रहा था। इसके बाद झूलन वन, झूलन वन में भगवान श्रीमती राधा रानी और कृष्ण, भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी एक साथ में आके झूलन में बैठते थे। गोपी लोग झूलन सजाते थे तो झूलन लीला भी होते थे। तो जब झूलन लीला हुआ था उस टाइम में हम लोग झूलन के बारे में चर्चा किया था बहुत, आज ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो झूलन वन उधर किसी लिए वन का नाम हुआ था, वहां पे भगवान और राधा रानी झूलन लीला करते थे। और एक वन है गुहबर वन, वहां पे एक माला रानी आश्रम है, और आश्रम में ट्वेंटी फोर आवर्स हरिनाम जाप होते थे। कोई कोई टेम्पल में क्या होते, 24 आवर्स कीर्तन होते थे, और इस टेम्पल में 24 आवर्स चैंटिंग जाप होते थे, इसलिए उसका नाम है गब्बर वन। और इसके बाद है पापर वन, पप्पर वन क्या क्यों नाम दिया था, वहां पे ब्रज गोपी लोग आदि बद्रीनाथ को दर्शन करने के लिए उनका इच्छा प्रकाश किया था। जब उन्होंने आदि बद्रीनाथ को दर्शन के लिए भगवान श्री कृष्ण को बताया था, तो भगवान श्री कृष्ण इस स्थान पर आदि बद्रीनाथ रूप में दर्शन दिया था।
आज भी आदि बद्रीनाथ है, इसलिए उसका नाम है अपर वन। ये 12 वन है और आज भी हम लोग वृंदावन पंचक्रोश परिक्रमा में जो जी पढ़ते हैं ना, वो भी थोड़ा चर्चा करेंगे। एक कृष्ण बलराम मंदिर जहाँ पे परिक्रमा शुरू होते थे, इस्कॉन का इंटरनेशनल परिक्रमा, उसमें जहाँ नाम है रमन रेती। हाँ, प्रभुपाद वहाँ पे एक मंदिर बनाया था, पहले उसका नाम है साहेब मठ। साहेब मठ मीन्स क्या है, सारे विदेशी भक्तों लोग उधर आते ना। अभी तो वृंदावन में और दूसरा मंदिर भी बनाया था, बहुत मंदिर में विदेशी भक्तों लोग आते जाते हैं। पहले से सिर्फ इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर में आते थे, उस जगह का नाम है रमन रीति। रमन रीति मीन्स भगवान सकालों का आग लेके वहां पे खेलते थे, रमन रीति। तो उस जगह में, मतलब जो इस्कॉन मंदिर है, उस जगह से परिक्रमा शुरू होती है। तो वहां पे कृष्ण बलराम है, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा है, गौरनीता है, श्रील प्रभुपाद का समाधि है। और इसके बाद एक बराह मंदिर है, बहुत अच्छा बराह देव है। और इसके बाद मदन टेर एक जगह का नाम है, स्थान लीला स्थान, उसका नाम है मदन टेर। क्यों मदन टेर हुआ था? एक दिन भगवान श्री कृष्ण गोपियों लोग के साथ लीला करते थे और श्री कृष्ण को कामदेव, काम बन द्वारा भगवान श्री कृष्ण को कामधन द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्रभाव विस्तार किया था। विस्तार करने के लिए उधर आया भगवान श्री कृष्ण, दिव्य रूप सौंदर्य दर्शन करने के बाद कामदेव श्री कृष्ण का ऊपर आकर्षित हो गया था। वो आया था कृष्ण को आकर्षण करने के लिए, उन्होंने गोपी लोग को ऊपर प्रभाव दिया था जो कृष्ण को आकर्षण कर सकते। तो उधर आया था कृष्ण के ऊपर प्रभाव विस्तार करने के लिए और उन्होंने भगवान कृष्ण का रूप दर्शन करके खुद प्रभावित हो गया और प्रभावित होके सेंसलेस होके मूर्छित होके भूमि में गिर गया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को और एक नाम है मदन मोहन। और मदन टेर नामक इस स्थान में यही लीला प्रकट हुआ था, कामदेव पराजय शिकार किया था, भगवान कामदेव को जय कर लिया सिर्फ रूप दर्शन देके, युद्ध नहीं कर पाना, दरकार नहीं है, सिर्फ भगवान को रूप। तो इसलिए हमारा पास जो काम है ना, उसको कैसे पराजित करेंगे, सिर्फ भगवान का रूप दर्शन करके उसका साथ प्यार का संबंध बनाए, तभी सब काम चला जाए। किस लिए? भगवान कामदेव को पराजय किया था, कामदेव भगवान के सामने कुछ नहीं कर पाए, इसलिए भगवान को हम लोग को हृदय में बैठाएंगे तो काम अंदर जा नहीं पाएगी। और इसके बाद कृष्ण कुआ क्या हुआ था, भगवान तार सकालों को लेके गोचारण में गया, और जब गोचारण में गया उन लोग को पानी पीने का प्यास लगा। कृष्ण का आके बता रहे हम लोग को बहुत पानी का प्यास लगा, कहाँ पानी मिलेगा। तो उनका सखा लोग जब प्रार्थना किया भगवान के पास, उन्होंने बहुत आनंद से बंशी को पकड़ा, अभी बंशी बजाना शुरू कर दिया और बंशी ध्वनि से एक तालाब बन गया, जो कुआ जैसा। उसका नाम ही है कृष्ण कुआ। किसलिए? भगवान श्री कृष्ण बंशी ध्वनि द्वारा
स्क्वायर को बनाया था, और उस कुआ से पानी लेके सखा लोग उनका जो प्यासा मिटाया था। और गोमाता जब गबी धीनू ऐसे जब गोचारण में जाते ना, उस स्थान से जाके जमुना प्रवेश, जमुना में जाके वो पानी पीते थे, इसके लिए उसका नाम है गोघाट। जो कुआ का पास है, वो लोग तो कुआ से पानी नहीं पीता ना, कौन गो माता कैसे पिएगा, इसलिए उसका पास में जाके जमुना का घाट में जाके क्या हुआ था, गो माता लोग डेली पानी प्यास पीते थे, पानी लेते थे, तो इसलिए उसका नाम दे दिया क्या क्या गो घाट, गो माता उधर जाके पानी पीते थे। ठीक है, कृष्ण कुआ का पास है। तो इसके बाद परिक्रमा मार्ग में कालिया दहो ये बहुत फेमस घाट है, इस लीला भी बहुत बड़ा है, हम चर्चा करेंगे आज पूरा करने के लिए, नहीं हुआ तो काल भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, हम चाहिए तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, और अंदर घुसेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग क्या चाहिए पूरा देंगे ना। हाँ ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे सुन लीजिए। ब्रजोधाम में ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजराज नंदन भगवान श्री कृष्ण, उनका जब उम्र हुआ था 6 साल, तो उन्होंने गोचारण जाने के लिए शुरू किया। गोचारण मीन्स क्या है, जो गोप है ना उसका काम है गो माता को अच्छे से देखभाल करना, उनको ले जाना वन में कुछ खाना के लिए, उसको छोड़ देना है, यही है। हाँ, गोचारण। तो भगवान श्री कृष्ण जब 6 साल उम्र हुआ था उस टाइम में उन्होंने गोचारण जाने के लिए शुरू किया, और उस टाइम गर्मी का दिन था, तो गर्ग संहिता में गर्ग मुनि वृंदावन खंड में एक कालिया के बारे में लीला बताया था, वहां पे गर्ग मुनि लिखा था स्वयंभू मन्वंतरे, कौन सा मन्वंतर याद रहेगा, स्वयंभू मन्वंतरे, जब फर्स्ट जो मनु जो स्वयं प्रकट हुआ था ब्रह्मा जी से, स्वयं प्रकट हुआ इसलिए उनका नाम है स्वयंभू मनु। तो स्वयंभू मनु का टाइम में भृगु वंश, जैसे भगवान प्रकट हुआ था जदु वंश, ऐसे भृगु वंश है, जो भृगु वंश में एक मुनि थे उनका नाम वैदशिरा, क्या नाम है, वैदशिरा मुनि, उन्होंने एक पर्वत थे बहुत अच्छा सुंदर पर्वत है, हम लोग परिचित है विंध्याचल पर्वत, याद है इसका पहले हम लोग लीला बताया था, विंध्याचल पर्वत राधा रानी का जो राधाष्टमी में तब हम लोग लीला किया ना, तो उस टाइम में हम लोग एक पर्वत का नाम बताया था वो विंध्याचल, यही विंध्याचल पर्वत, वहां पे जाके वैदशिरा मुनि तपस्या करते थे, और जब तपस्या करने लगा वहां पे और एक मुनि आ गया, उनका नाम है अश्वशिरा मुनि, तपस्या करने के लिए उधर आ गया। आगे वैदशिरा जो पहले जो मुनि तपस्या में बैठा था, उन्होंने जो नेक्स्ट में आया था अश्वशिरा मुनि, उनको बोलने लगा, क्या तुम इधर तपस्या नहीं करना है, तुम दूसरा जगह में जाओ, यहाँ पे मैं तपस्या करूंगा और कोई नहीं। और
दूसरा मुनि जो आया था उन्होंने, अश्व शिरा मुनि, उन्होंने बोल रहा है आप देखो ये आपका स्थान नहीं है, हम मेरा भी स्थान नहीं है, ये भगवान का स्थान है, भगवान विष्णु का स्थान है, आप अकेला तपस्या करेंगे ये कैसे हो सकता है, हमारा जगह नहीं मिलेगा वो कैसे हो सकता है, ये भगवान का स्थान है, आपका पर्सनल भी नहीं है हमारा भी पर्सनल नहीं है, तो दोनों को मौका मिलना चाहिए ना, समझ गया। तो जब इसे बोलने लगा पहले जो तपस्या करते थे वैदशिरा मुनि, उन्होंने सारे तर्क करने शुरू कर दिया, बहुत बात विवाद चल रहा है, और वैदशिरा मुनि थोड़ा ज्यादा क्रोधित हो गया, निश्वास फैल रहा है ज्यादा, जोर से बात कर रहा है। तो अश्वशिरा मुनि उनको श्राप दे दिया, क्या बोला था, तुम सर्प जैसा श्वास लेता है, श्वास फेंकता है, ते आप इतना सर्प जैसा कुटिल मौन है, आप सर्प बन जाओ, ये मेरा अभिशाप है। और अभिशाप सुनने के बाद वेदशिरा अश्वशिरा को भी श्राप दे दिया, दोनों दोनों को श्राप दिया, क्या बोला था, तुम काक जैसा का 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 बक 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 होता है ना, इसलिए तुम काक बन जाओ, हो गया दोनों को श्राप, हो गया एक, हो गया क्या, सर्प बन जाओ, सर्प जैसा आप श्वास लेके लेके आपके साथ झगड़ा करते थे, और दूसरा के क्या हुआ, तुम काक जैसे भक भक करते थे, तुम काक बन जाओ, है ना। अभी देखिए अभिशाप का कारण क्या है, साथ में चल नहीं सकता है, इसलिए प्रभुपाद हम लोग को सिखाया क्या, हरिनाम करो, कृष्ण को बीच में रखो, सब एक साथ में चलने सीखो, है ना, हम लोग जब भगवान का नाम करेंगे एक साथ में चल सकते हैं। अभी दो मोनी देखिए, वेदशिरा और अश्वशिरा, ज्यादा नहीं है, और हम लोग ये फाउंडेशन में कितना है, सवाद में आते जाते हैं एक साथ में, है ना, मायापुर में देखिए लाखों लाखों करोड़ करोड़ भक्त डिबोटी आ रहा है, कहां से, विदेश से, वृंदावन में अभी देख के जाइए परिक्रमा हो रहा है, 8-10 हजार डिबोटी एक साथ में परिक्रमा हो रहा है, इसलिए प्रभुपाद सिखाया जैसे ही दो मुनि जैसे झगड़ा नहीं होना चाहिए, वाद विवाद नहीं होना चाहिए, एक साथ में चलने सीखना चाहिए, तो भी हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे, जो प्रचेता है ना, प्रचेता लोग, प्रचेता लोग 10 है, 10 भाई है, उन्होंने एक साथ में भगवान को तपस्या करने के लिए गया, जब एक साथ में भगवान को तपस्या करने के लिए गया है, उनसा ये समझौता जो मिलने चलने का ये आदत देख के शिव जी वैष्णवानाम जटाशंकर उन्होंने कृपा करने के लिए खुद आया था, उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया, उनको तपस्या भी नहीं किया, सब उन्होंने सब मिल के भगवान का तपस्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का तपस्या कर रहे हैं, इसीलिए भगवान शिव जी खुशी होके उधर आके उनको और भी सिखाया कैसे भगवान को संतुष्ट करना, कैसे जल्दी संतुष्ट कर सकते, श्रीमद् भागवत में है, चौथा स्कंद में क्या है, रुद्र गीत, कभी भागवत है ना आपका घर घर में, रुद्र गीत, वहां पे भगवान शिव जी भगवान कृष्ण को, परमेश्वर भगवान कृष्ण को कैसे हम लोग संतुष्ट कर पाएंगे, वो गीत आकार से उन्होंने उपदेश दिया था प्रचेता लोग को, प्रचेता लोग नहीं बुलाया उनको, सिर्फ एक साथ में एकजुट होके भगवान का आराधना कर रहा है, सम्मिलित होके, इसलिए भगवान का परम भक्त शिव जी आकर उन लोग को कृपा किया, सिखा रहे भगवान को क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है, कैसे चलना है, सबको साथ में चलना है, और चैतन्य महाप्रभु भी सिखाया था क्या है, संकीर्तन करो, कीर्तन और संकीर्तन, चारे जुगे चारे धर्म जीवेरो कारण कलि जुगे धर्म है नाम संकीर्तन, इस युग का क्या धर्म है, हरि नाम संकीर्तन, संकीर्तन मीन्स क्या है, सबको मिले कीर्तन करना, संकीर्तन जोर से सब मिलके कीर्तन करना, तो क्या सिखाया, सबको लेके चलना है,
जब चैतन्य महाप्रभु जाते थे ना सारे भक्त लोग को लेके एक साथ में, पार्षद लेके आया था, अकेला नहीं आया। उन्होंने भक्त बन के सिखाया है, अकेला कुछ नहीं होगा। एकाकी अमर नाही पाए बोल हरि नाम संकीर्तन है। क्या होता है? एकाकी अमर नाही पाए बोल हरि नाम संकीर्तन है। एकाकी कुछ नहीं होगा, ये संकीर्तन सबको मिलकर चलना है। अभी देखिए दोनों को क्या हुआ था, वेदशिरा और अश्वशिरा मुनि को। सिर्फ तपस्या करने के लिए गया, ये बोला ये नहीं चाहिए, मैं चाहे मैं अकेला हो, मैं अकेला करेंगे। ऐसे नहीं होना, भक्त का ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे क्रोध आ गया दोनों को, क्या हो गया? क्रोध आ गया, और क्रोध से क्या कर दिया, एक दूसरा को श्राप दे दिया। अभी भगवान संकट में पड़ गया, उधर खुद तुरंत आ गए भगवान विष्णु। विष्णु आके बोला यार देखो देखो, तुम दोनों भी मेरा भक्त है, क्यों ऐसे झगड़ा कर रहा है? अभी दोनों तो दोनों को तो एक सर्प बनना पड़ेगा, काक बनना पड़ेगा। इसलिए कोई भक्त मुंह से कुछ बोल दिया तो उसका रक्षा करने के लिए मेरा आदत है, मैं इस खंडन नहीं कर सके। तो वेदशिरा जिसको अश्वशिरा साप दिया था सर्प होने के लिए, तो वेदशिरा को भगवान बोला था देखो तुम्हारा मस्तक में हमारा चरण चिन्ह रहेगा, मैं तुम्हारा मस्तक में चरण रखूंगा, इससे तुम्हारा गुरु से कोई भय नहीं रहेगा। गुरु मेरा भक्त है, जब भी तुम्हारा शरीर में मेरा चरण देखेगा तभी तो भी तुम गुरु से मुक्त हो जाए। और अश्वशिरा को बोला था तुम शोक नहीं करो, तुम निश्चित महम ज्ञानी हो जाओगे, इसके भगवान का चरण मिलेगा। भगवान और अश्वशिरा को बोला तुम सर्वज्ञानी होके महा तेजस्वी जोगी वर भुशुंडी काक रूप के तुम जन्म लोगे, तुमका जन्म होगा भुशुंडी काक। समझ गया? वेदशिरा को बोला था ना भगवान तुम्हारा शीर के ऊपर चरण रखेंगे। इसका और एक लीला है, वो क्या लीला है? ये तो एक ही है, अभी जो वेदशिरा काली हो जाएगा अभी हम लोग बताएंगे। तो इसका पहले एक लीला है, और एक लीला था है क्यों भगवान उनका शीर के ऊपर चरण रखेंगे, इसका क्या कारण है, क्यों भगवान बोला था चरण रखेंगे? एक गंभीर लीला है। वो क्या हुआ था, एक राजा थे, राजा का नाम मेरा याद नहीं है अभी तक। तो एक राजा है, उनका पेट दर्द था, कुछ ज्यादा से ज्यादा पेट दर्द, बहुत सारी दवाई खाया, बहुत कुछ है मैंने प्रयास किया था पेट दर्द से निकालने के लिए, अच्छा नहीं हो रहा। तो एक बार क्या हुआ था, एक राज ज्योतिष उनको बुलाया था, आप गिनती करके देखिए तो क्यों मेरा पेट दर्द है, इसलिए कर्म फल है ना, इसलिए ज्योतिष को बुलाया था। राजा तो बुद्धिमान है, हम लोग जो भी बीमार होता है ना सब कर्म फल से आते थे, इसलिए क्यों हुआ कैसे हुआ इसलिए ज्योतिष को बुलाया था। तो राज ज्योतिष आ गया, आने के बाद उन्होंने गिनती करके राजा को बता रहा है आप देखिए आप भगवान को प्रसाद मिला था, वो प्रसाद को आप सम्मान नहीं दिया, इसलिए आपको पेट का दर्द शुरू हो गया। तो राजा बोला रहे अरे इससे मुक्ति पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो। एक ही रास्ता है इस जगत में सबसे पावरफुल, क्या है, शुद्ध वैष्णव को चरणामृत पाना चाहिए, चरणामृत तभी आप इसके छुटकारा मिलेगा। हो गया, समाधान भी मिल गया। तो अभी वैष्णव ढूंढना पड़ेगा, अभी तो वैष्णव पूरा फोन करने से वैष्णव आ जाएगा, ऑनलाइन खुलने से वैष्णव संग मिलेगा, है ना?
जूम खुलने के बाद, यूट्यूब खुलने के बाद भी वैष्णव संग मिल जाए ना, तब वैष्णव नहीं मिलता है, ढूंढने पड़ते थे जंगल में, ढूंढने पड़ते कहाँ भक्त मिलेगा। आये प्रभुपाद का कृपा से, चैतन्य महाप्रभु का कृपा से, सारे वैष्णव आचार्य लोग को कृपा से, मैं कितना भक्त हम लोग को मिल रहा है, हम लोग कितना लाकी है, उस टाइम नहीं मिलते थे। राजा पूरा ढूंढने लगा, सब लोग को पता लगाने के लिए बोला था, आप पता लगाओ कहाँ है वैष्णव मिलेगा, हमारा पेट दर्द अच्छा होने के लिए वैष्णव चरण चरणों में तो चाहिए। जैसे पता लगा कोई भी खबर नहीं दे पाया, समाचार नहीं मिला, कहाँ वैष्णव मिलेगा। ये लीला में गौरांग प्रेम स्वामी महाराज को सुना था, उन्होंने बोला था। तो फिर क्यों हुआ था, हाँ। एक दिन अमावस्या तिथि था, सारे अंधकार है, तो राजा और मंत्री दोनों ने राजबाड़ी का ऊपर जाके, रात 12 बजे, कोई टेंशन में थे, वो भी चिंतन कर रहा है टेंशन के, राजबाड़ी का कोई टेंशन हुआ था, राज परिचालना कर राज्य का, ऐसे घूमने जाकर, तो राजा को बहुत दूर से एक छोटा सा लाइट देख रहा है, बहुत दूर से। तो राजबाड़ी का 700 लोग घूमते रहते थे, कोई टेंशन में है, दोनों ने बातचीत करते हैं, तो अभी जब नजर लगा राजा को, बहुत दूर से एक लाइट आ रहा है, और अमावस्या लाते हैं ना, उनको नजर चला गया, सारी जगह से अंधकार है, अंधेरी रात है। तो राजा मंत्री को बता रहा है, अरे देखो उस जगह में एक लाइट जल रहा है, क्यों हमारा जगत में इतना कोई दुखी है, रात में जगह नहीं है, जगते रहते थे, नींद नहीं आ रहा है, इसीलिए लाइट जलाया था। उस टाइम में क्या है, करंट नहीं था ना, सारे रास्ता में करंट जलते थे, लाइट जलते थे। अभी तो क्या है, हम लोग रास्ता में निकालेंगे तो सारी जगह बहुत लाइटिंग है ना, तब वो नहीं था, कुपी जलाता था, है ना, केरोसिन मिलते हैं, केरोसिन से कुपी मिलते हैं। हम लोग जो छोटे बचपन था, देखा कारण नहीं मिला, कारण लास्ट में मिला था। अच्छा है, तो राजा को नजर पड़ा था, मंत्री को बोला आप पता लगाओ तो कौन दुखी है, क्या बोला था, कौन दुखी है उस घर में, रात जगना पड़ता है, उनको नींद नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, अब जाके पता लगाओ। सब प्रजा लोग सो रहा है और वो जागा है, क्या दुख है उनको। तो मंत्री वो लाइट का इशारा से उधर चला गया, वो जब तक जा रहे उनका घर का पास गया था, जाके क्या सुन रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा आवाज मिल रहा है। अरे क्या, तो उनका छोटा कुटीर है ना, फूटा है, वहां पे देख रहे हैं क्या, एक साधु हरिनाम कर रहे हैं। जब हरिनाम कर रहा है तब तो भी देखा उनका सामने एक कुपी जलाना है, वो जो घर इतना अच्छा नहीं है ना, वो अंदर से वो कुपी का लाइट बाहर आ गया। तो मंत्री को याद हो गया क्या, इतना रात तक जिन्होंने हरिनाम कर रहे हैं, भगवान का नाम कर रहे हैं, ये तो वैष्णव है, हमारा राजा को तो इनका दरकार है, उनका चरणा में तो लेना, मिल गया राजा का, बीमार खत्म हो जाएगा, रास्ता मिल गया। तो मंत्री वहां से आके राजा को बता रहा है, हे राजा, राजा महाशय, आप जिसके लिए आप बहुत चिंतित है, आपका बीमार के लिए उसका समाधान मिल गया। तो क्या मिला बताओ, बताओ बताओ क्या मिला। वहां पे जाके देखा था एक आदमी मैं सुआ था, वो दुखी नहीं है, परमानंद में है, आप बोला था ना ये प्रजा दुखी है, जाओ क्या दुख है, उस दुख नहीं है, वो
आनंद सागर में भस रहा है, क्या खुल के बताओ क्या कर रहा है? जब वो वैष्णव है, आप जो वैष्णव को ढूंढ रहे हैं ना चरणामृत मिलने के लिए, वो वैष्णव उधर है, वह भगवान का नाम कर रहा है, इतना आनंद में है, उसका नींद नहीं आ रहा है। दो तरीका का नींद नहीं आता है क्या? एक दुख से नींद नहीं आता है, टेंशन से, दवाई खाना पड़ता है ना, हम लोग को दवाई खाना पड़ता था ना, कभी कोई टेंशन होता था नींद नहीं आता था। इसलिए राजा बोला था इस मिटेरियल जगत में, भौतिक जगत में कौन दुखी है, देखो नींद नहीं आ रहा है, उसका दुख दूर करो, राजा का एक काम है। यहाँ पे राजा का एक चरित्र है, इसलिए हर राजा को सोचना चाहिए हमारा प्रजा लोग दुखी है, उसके पास में खड़ा होना, उसको थोड़ा हेल्प करना। तो राजा जाके, सॉरी मंत्री जब बोला था ये आनंद सागर में भास रहा है, इसलिए नींद आया था उनको, भगवान का नाम कर रहे हैं, बहुत आनंद में है। कैसे? जो भगवान का नाम करते हैं ना उसका दुख नहीं है, मंत्री ये भी बता रहा है। जब भगवान को नाम से उनका नींद नहीं आता है, किस लिए? नाम का रुचि ज्यादा हो गया, आसक्ति ज्यादा हो गया, नाम इतना आनंद देता है, आनंदम बुद्धि वर्धनम बुद्धि पदम पुण्यमिता साधनम, उसका नींद नहीं आता है, आनंद सागर में है। तो आप कृपा करके चलिए, वो वैष्णव को हम लोग चरण अभिषेक कराएंगे, तो आप चरणामृत तो मिलेगा, वो चरणामृत तो लेके आप सुस्त हो जाएंगे। चलिए, तो राजा बोला था अभी रात को नहीं, थोड़ा सूर्यदेव को उठने दो तब भी जाएंगे। तो फिर सुबह हो गया, होने के बाद राजा और मंत्री दोनों ने रथ लेके चला गया, किसके पास? वैष्णव चरणाभिषेक करना के लिए, चरणामृत तो चाहिए ना। एक पानी लिया था, एक त्रिवर्तन लिया, उनको अभिषेक के लिए जो जो चाहिए, हरे कृष्णा, सब लोग सो जा रहा है, क्या करेंगे? आप लोग सो गया सब, जब दरवाजा बंद है उन लोग क्या करते हैं मालूम नहीं, जो खोला है वो भी सो जा रहा है। ठीक है, तो राजा जब गया था उनको जाके प्रणाम किया, प्रणाम करके सामने बैठा गया। तो बैठने के बाद राजा को देख के हमारा वैष्णव ठाकुर बोला हरे कृष्ण बैठो। तो वैष्णव ठाकुर पूछ रहे हैं आप तो महान राजा है, इधर आने का क्या उद्देश्य है? मैं तो गरीब आदमी है ना, बोलिए मेरा ऊपर क्या आदेश है? कौन? वैष्णव ठाकुर राजा को क्या बोला था? राजा का क्या होता है? राजा प्रजा लोग को आदेश देता है, तो इसलिए बोला था मेरा ऊपर क्या आदेश है? ये वैष्णव का विनम्रता है, क्या है? उन्होंने दूसरा कुछ बोल सकता ना? ना, नहीं बोला था। उन्होंने क्या बोला? हमारे ऊपर आपका क्या आदेश है? आप राजा है ना, तो वो बिजी रहते तभी आप इधर आ गए, दोनों है राजा मंत्री दोनों आ गया, आपका समाचार बताइए क्या आदेश है हमारा ऊपर? तभी जब ऐसे बोला था क्या आदेश है, तो राजा हाथ जोड़ करके उनको प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं वैष्णव ठाकुर मैं आपको कृपा लेने के लिए आया था, आपको सेवा करने के लिए आया था, आदेश देने के लिए नहीं है। आप भगवान का भक्त है, भगवान का प्रियजन है, आपका हृदय में भगवान बैठते थे, वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे न ममो वैष्णव पराण, आपका हृदय में गोविंद बैठते थे, आप भगवान का जो प्रिय है, तो इसलिए मैं आया था आपको सेवा करने के लिए। देखिए उनका क्या उद्देश्य है, चरण अभिषेक करके चरणामृत तो लेके उनका पेट दर्द कमाने के लिए आया। हाँ, तो
साहब ऐसे बोला, तो हमारा वैष्णव ठाकुर बोल रहा है, यार क्या सेवा करना चाहते थे आप? जो बोल रहा है ना, मैं बहुत बड़ा भगवान का प्रिय है, नहीं है? आप देखो, मैं भगवान का प्रिय होते थे, मेरा अच्छा घर था, मेरा अच्छा सब कुछ होता था, भगवान का बहुत कृपा मिलता था, मेरा तो कुछ नहीं, कैसे मैं भगवान का प्रिय हूं? आप ठीक नहीं बोल रहा है। और फिर राजा बोल रहा है, अरे देखिए आप वैष्णव है ना, आपको तो स्वभाव ऐसी है, आप कभी भी नहीं बोलते मैं भगवान का प्रिय हूं, हम लोग जानते थे, इसलिए आप नींद नहीं जाते थे, आप साधारण नहीं है, 24 आवर्स आप भगवान को नाम कर रहे हैं, आप तो आपको सेवा करने का मौका दीजिए। तो राजा बोल रहा है, मैं आया था आपका पास आपको चरण अभिषेक करने के लिए, आपका चरणामृत तो पाने के लिए, प्लीज कृपा करके मेरे को इस सेवा का सुजुग दीजिए। देखिए इस विनम्रता से अंदर क्या है, सार्थ है, सेल्फनेस है ना? राजा का अंदर ये ऊपर में बहुत विनम्रता है, सेवा का भाव है, बहुत अच्छा है ना, किंतु अंदर क्या है, कुछ फायदा लेना, उसका बीमारी है, इसीलिए वो आया था, भक्ति से नहीं आया, वैष्णव का पास कपट से नहीं आना चाहिए। गोलो वस्त्र कीतांजलि वैष्णव निकटे, दंते तीन कोरी दारा इवो निष्कपटे। क्या है, वैष्णव के पास जाना है विनम्र होके, राजा आया था विनम्र होके, किंतु अंदर में क्या है, कुछ फायदा लेना, कपट है। दंते तीन कोरी दारा इवो निष्कपट, निष्कपट मीन्स क्या, अंदर जो है बाहर है सेम होना चाहिए, ये राजा का अंदर और बाहर बहुत दो अलग है। देखिए एक मैं बोला था ना पहले, कालिया लीला बहुत लंबा होगा, यहाँ पे हर लाइन का लाइन अंदर शिक्षा है, हमारा कैरेक्टर ठीक करने के लिए, वैष्णव होने के लिए बहुत शिक्षा है। तो राजा जब बताया कि आप महान हैं, मेरे को सेवा का सुजुग दीजिए, तो वैष्णव बता रहे हैं मैं आपको कैसे सेवा करेंगे वो भी बताए। अब राजा है ना, राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, क्या है ये शास्त्र में बताया, राजा कौन है, भगवान का प्रतिनिधि, इसीलिए राजा का क्या काम है, प्रजा लोग को सुरक्षित रखना, प्रजा लोग को शांति देना, सुखी रखना, राजा का काम है, इसीलिए राजा को भगवान का प्रतिनिधि बताया। जैसे भगवान बोला था ना चतुर्थ अध्याय में, जब अर्जुन प्रश्न किया था गीता ज्ञान देने के टाइम में, भगवान बता रहे हैं मैं ये जो ज्ञान है ना पहले सूर्यदेव को दिया, इसके बाद मोनू, मोनू का बाद इक्का को, ऐसे परंपरा राजसी परंपरा में आया, क्यों राजा लोग को दिया गया ज्ञान, क्या काम है, कारण है, राजा लोग को क्यों ज्ञान देना पड़ता, इस दिव्य ज्ञान को क्यों दिया था? तो वहां पे प्रभुपाद ने कहा, द राजर्षि था वो लोग, राजा को ऐसे दिव्य ज्ञान देने से क्या होते थे, उन्होंने यही ज्ञान लेके जीवन में प्रयोग करते थे और सारे प्रजा लोग को सुख शांति में शांति दे सकते हैं, प्रजा को सुख शांति के लिए राजा को इस ज्ञान देते हैं, इसीलिए राजा उस ज्ञान फॉलो करके भगवान का प्रतिनिधि बनकर और प्रजा लोग को अच्छे से देखभाल करते, इसीलिए उस टाइम में राजा को बोलते थे राज और सी, समझ में, राज और सी बोलते थे, तो इसीलिए वैष्णव ठाकुर बोल रहे हैं राजा वैष्णव को ग्लोरिफिकेशन कर रहा है कपट से, और वैष्णव क्या कर रहे, विनम्र भाव से बोल रहा है आप भगवान का प्रतिनिधि है, हमारा कर्तव्य आपको सेवा करना, आप बोले मैं क्या सेवा कर सकता। देखिए दो है, दो का स्वभाव अलग अलग है, मेंटल अलग है, जब वैष्णव ठाकुर ऐसे बताया तब भी राजा कपट भक्ति छोड़ के असली जगह में आ गया, मेरा बहुत दिन से मैं बीमार हूँ, तो बीमार से मुक्त होने के लिए हमारा राज ज्योतिष बताया था वैष्णव का चरण अमृत मिलेगा तो हम इस बीमार से मुक्त हो सकते हैं, तो आप कृपा करके मेरे बीमार से मुक्त करिए।
आपका चरणामृत लेने के लिए मैं आपको चरणाभिषेक करने के लिए आया हूं। देखिए सत्य आ गया, कहां से आया? जबरदस्ती लेकर आया नहीं, स्वभाव से, साधु का स्वभाव से राजा को सत्य निकाला। समझ गया यहां क्या है? साधु का विनम्रता से, साधु का स्वभाव से, साधु का कैरेक्टर से, साधु सा व्यवहार से राजा सत्य निकाला। समझ गए क्या शिक्षा है? तो हम लोग को कैसे होना चाहिए? दूसरा को हेल्प करने के लिए अपने को सत्य होना चाहिए। और फिर क्या हुआ था, जब वो बोला था ठीक है, नहीं, चरणा में तो दे नहीं चाहिए, वैष्णव कभी भी अपना चरण धोने के लिए राजी नहीं होते थे। राजा तब रिक्वेस्ट करने शुरू किया, कम से कम 30 मिनट्स, आधा घंटा रिक्वेस्ट करके करके उन्होंने एक चरण दिया था। तो वो चरण देखने के बाद राजा का आंख सिर के ऊपर उठ गया। क्या है? वैष्णव का चरण में कुष्ठ रोग है, कुष्ठ पकड़ा था। देखिए यहाँ पे एक असली शिक्षा है। हम लोग को थोड़ा सा फीवर आ जाएगा तो जॉब नहीं हो रहा है, ज्यादा बुखार है, बीमार है, हॉस्पिटल में जाकर हमारा ऑपरेशन हुआ था, मेरा जॉब नहीं हुआ प्रभु। आप देखिए कुष्ठ रोग पकड़ आता, तभी भी उन्होंने 24 आवर्स जॉब नहीं छोड़ा। यही है महात्मा है। हमें हमारा जॉय पता है, सामने गुरु महाराज को देखिए, व्हील चेयर में है, चल नहीं सकता है, 69 से ज्यादा जॉब करते थे गुरु महाराज। श्रील प्रभुपाद सो गया था मरने का पहले, भगवत धाम जाने का पहले, उन्होंने इतना तक पैरालिसिस है तभी भी गुरु का आदेश फॉलो कर रहा है। अरे ये जो वैष्णव ठाकुर, उनका कुष्ठ रोग हुआ था, बहुत बड़ा बीमारी है, जिसके पास भी कोई नहीं जाता है, वो अकेला रहना जाता है, घर में नहीं रहते थे, परिवार लोग बाहर निकाल देते थे। उनका तो परिवार नहीं, उन्हें अकेला है, नाम नहीं छोड़ा था, इतना बीमार है। इसलिए भक्त क्या होते ना, कभी भी भौतिक शरीर का बीमार है, वाजिक बीमार है, मानसिक बीमार है, सारे प्रॉब्लम आरती को तभी उन्हें विचलित नहीं होते थे, भगवान को नहीं छोड़ते थे। जैसे पंच पांडव को कितना दुख आया था, तभी उन्होंने भगवान के ऊपर विश्वास नहीं छोड़ा, विचलित नहीं हुआ। ना कृष्ण इज ग्रेट, कृष्ण इज ऑल इन ऑल, नहीं छोड़ा कृष्ण। तो ऐसे जब एक पाव निकाला था तो उन्होंने देखा है कुष्ठ है। तो राजा मन मन में सोचने लगा, चरण अभिषेक करना नहीं देता है वैष्णव लोग, इसीलिए मेरे भी चरण अभिषेक नहीं करने देगा। दूसरा पाव अच्छा है इसीलिए इस पाव निकाला। क्या सोचता था राजा? जब मैं जब चरण अभिषेक नहीं करने के लिए इन्होंने इस पाव निकाला था, दूसरा पाव अच्छा है, ये पाव अभिषेक करने के बाद हम पानी पियेंगे तो, चरणामृत पियेंगे तो क्या होगा, मेरा बीमारी और बढ़ जाएगा। अभी देखिए देहात्म बुद्धि से परा हुआ था वैष्णव का, चरणामृत का क्या गुण है उसको पता नहीं है, अपना फायदा के लिए आया ना, इसलिए उसका महत्व नहीं जानता। इसलिए वैष्णव को चिन्ह पहचान के लिए हम लोग को वैष्णव का बारे में सुनना चाहिए, कान से देखना चाहिए, आंख से नहीं। राजा आंख से देख रहा है ना, कैसे देखना चाहिए? कान से देखना चाहिए, उनके बारे में सुनना चाहिए अच्छे से, तभी उनको जिंदगी में कुछ होगा। वैष्णव को आंख से देखना नहीं है, कान से देखना है। इसलिए काल ना परसु हमारा प्रभुपाद एक कोट दिया ना, भक्त को कान से देखना चाहिए, उनका मुंह से जो सुनेगा तभी पता चलेगा उनके भक्त क्या नहीं है, कितना उन्नत भक्त है। तो राजा जब देखा है कुछ तो लोग है, ये अभिषेक करके पानी पियेंगे तो हमारा ज्यादा से ज्यादा रोग बढ़ जाएगा। और एक बात यहाँ पे एक शिक्षा है, शरीर का भौतिक शरीर के ऊपर दृष्टि नहीं देखना चाहिए वैष्णव को, उनके हृदय को समझाना चाहिए। वैष्णव को जो हृदय में जो बेटा है ना कृष्ण,
उसको समझ में आना चाहिए, तभी हम वैष्णव को चिन्ह सकते हैं, उनका हृदय में कौन है, क्या है। तो राजा गलती किया, तो राजा वैष्णव ठाकुर को और विनम्र प्रकाश करके, वैष्णव ठाकुर मेरा इच्छा है आपको दो चरण को अभिषेक करना, आप कृपा करके दूसरा चरण दीजिए। अच्छा नहीं, आप एक ले लो, यहां से खुश हो जाएगा, ले लो। वो मानेगा नहीं राजा, राजा का मन में तो अलग है ना, ये अच्छा नहीं है इसलिए वो निकाला, जो अच्छा है वो अंदर रखा है, फोल्डिंग करके रखना है। तो राजा बार 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 बार, बार जब रिक्वेस्ट कर रहा है, तब तो उन्होंने दूसरा चरण भी निकाला, और देखने के बाद राजा का और भी चिंता भर गया। क्या चिंता भरा, पहले जो चरण दिया ना उसका कुष्ठ रोग थोड़ा कम था, जो नेक्स्ट टाइम जो चरण निकाला उसका कुष्ठ रोग ज्यादा था, हो गया। तो अभी तो इतना रिक्वेस्ट करके निकाला है, तभी चरण अभिषेक करना ही पड़ेगा, कहा जाएगा। अभी उन्होंने मन में बहुत दुख से, प्यार से नहीं, बहुत दुख से, सेवा भाव नहीं है, पानी डाल रहा है, पानी डाल रहा है, पानी डाल रहा है, एक मग पानी डाला था, और उन्होंने एक कपड़ा लेके गया था, उन्होंने अच्छे से चरण मूस के वैष्णव को कंप्लीट कर दिया, उन्होंने पाग उठा लिया था, और अभी चरणामृत है, बोला ना मैं चरणामृत पीऊंगी, मेरा पेट दर्द कमाने के लिए आप इधर आपका चरण अभिषेक करने के लिए आया। अभी उन्होंने वो कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, वो तो कुष्ठ रोग का है, वो मेरा बीमार तो बाहर जाएगा। उन्होंने कपट चिंता शुरू कर दिया, जितना भाव है उतना भाव नहीं है, दुर्भाव व्यवहार किया। क्या है, उन्होंने पानी लिया था, पानी नहीं पीने से ऊपर से डाल दिया पीछे, जो पीछे जाने का टाइम चरणामृत सिर में पड़ा था, कहाँ पड़ा, राजा का सिर में पड़ा, पीछे जब डाल दिया था नहीं पिया था, तो वैष्णव ठाकुर देख लिया, बोलते वैष्णव है क्या, फूल का पापड़ी जैसा इतना कोमल है उनका हृदय, और वज्र जैसा कठोर है, पहले फूल का पापड़ी जैसा था, जब ऐसे पानी नहीं पीने से आप पीछे फेंक दिया, तभी भी उनका हृदय वज्र जैसा कठोर हो गया। तो राजा को शिक्षा देने के लिए बोला था, आप क्यों किया ऐसे, क्यों इतना टाइम वेस्ट किया मेरे को, क्यों आना का क्या दरकार था, क्यों ऐसे किया काम, आप बोला था आपका प्रॉब्लम है इसलिए मेरा चरण में तो चाहिए, कभी भी कोई वैष्णव नहीं देगा, आप राजा है ना, मेरा पर आदेश दिया इसलिए मैं आपको सेवा किया, तभी भी ये आदर आदेश में पालन किया, ये तो कदर अच्छा नहीं दिया, आप सब कपट करके आप पीछे फेंक दिया, आप कपट किया था इसलिए आपको शास्ति होना चाहिए, आप जैसे ऐसे करेंगे तो प्रजा लोग का क्या हाल होगा, वो लोगों फॉलो करेगा, जत जत आचार्य श्रेष्ठ तत्तर जना, श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करते ना दूसरा लोग अभी अनुकरण करते थे, प्रजा लोग, प्रजा लोग क्या सीखेगा, आप ऐसे कपट है इतना राजा, आपका कपट का शास्त्री गए हैं, आप सर्प बन जाइए। तभी राजा विनती शुरू कर दिया, क्या किया था, विनती शुरू कर दिया, जब विनती शुरू किया था तो उन्होंने देखो मेरा जो बात है ना झूठ नहीं होगा, 100% होगा, तुमको सर्प जो नहीं मिलेगा, और एक है जो तुम माफी मांग रहे है ना इसलिए मेरे तो कृपा करना ही पड़ेगा, तो इसलिए तुम इस सर्प जोनी से भी होने के बाद भी तुम जैसे हमारा चरणा में तो तुम्हारा सिर के ऊपर पड़ा ना, यहाँ पे भगवान का चरण स्पर्श होगा, तुम क्या बोला था, तुमको चरण स्पर्श होगा इस सिर में, समझ के भगवान बता रहे ना, विश्व शिरा की वेद शिरा को बोला था ना, तुम घबराओ मत, तुम्हारे मस्तक में मेरा चरण पड़ेगा, मैं चरण रखूंगा, बोला है।
अभी राजा को क्या बोला था? इस चरण में जब सिर में पड़ा था, ये कभी भी मिस नहीं होगा। यहाँ पे भगवान का चरण, भगवान चरण रखेगा इसके ऊपर। तुम जाके सर्प बन जाओ, जो कद्रु माता का लड़का, जो कालियो है, उसका अंश होके तुम जन्म लोगे। समझ गए? इसलिए भगवान बताया था तुम्हारा सिर के ऊपर हमारा चरण चिन्ह होगा। मैं चरण रखूंगा। तो राजा अभिशाप होके प्राप्त होकर क्या हुआ था? कालिया का अंश रूप में जन्म लिया। ठीक है, यहां से हम लोग बहुत केयरफुल रहना है वैष्णव अपराध से। राजा का वैष्णव अपराध हुआ, कपट किया था वैष्णव के साथ, कपट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारे बहुत शिक्षा हम लोग चर्चा किया था। तो काल भी कालियों का दमन का लीला होगा, बहुत कुछ है, बहुत शिक्षा है। समझ गया? काल भी खत्म कर सके था मालूम नहीं, तो 3 दिन भी लग सकता था। ठीक है, हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की जय, वृंदावन धाम की जय, कृष्ण कन्हैया भगवान की जय, जय परमानंद गुरु महाराज की जय, सारे भक्तविंद की जय, गौर प्रेमानंद वंचा कल्पद्रवश्य कृपा सिंधु वैष्णवेभ्यो नमो नमः।